बच्चों, आपका दिन शुभ हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब देखिए, मैं आज पार्ट फोर न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट फोर पढ़ाने जा रहा हूँ, श्री राधे कृष्णा। तो पार्ट फोर में मैं आपको बताऊंगा किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। मान लीजिए 556 है, 556 पर 1536 घात है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? और 447 है, इस पे घात 67 है, तो इकाई का अंक क्या होगा? इस प्रकार के आज मैं पार्ट फोर में पढ़ाने जा रहा हूँ किसी घात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो इसके पार्ट वन में मैं संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। इसमें आपके वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसके बाद वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की बताई थी, आपका परमेय अपरमेय, परमेय संख्या में आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आते हैं। तो इन्हें विस्तार से जानने के लिए आप पार्ट वन संख्या पढ़ लेना। इसके बाद मैंने बताया था इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और इससे ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट टू पढ़ लेना, देख लेना। और पार्ट थ्री में मैंने बताया था कि आपका स्थानीय मान बताया था, और अंकित मान बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू विशुद्ध मान बताया था, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम बताया था, और इसके बाद मैंने बताया था तत्सुमक नेम भी बताया था, इसका तत्सुमक नेम यानी आइडेंटिटी लॉ भी बताया था इसका, और इनवर्स प्रतिलोम अवयव गुणांक का जोड़ का प्रतिलोम अवयव भी बता चुका हूँ। इसके लिए आप पार्ट तीन पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। और कल मैं संवरक नेम, क्रमबन्वय नेम, सहचर नेम, गुणांक का वितरण नेम, तो ये पढ़ूंगा। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं श्री राधे कृष्ण। तो मान लीजिए, जैसे हम लेते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 9, और फिर 9 आ गए, 9 × 3 = 27, और इसमें से आपको हर बार ढाई का अंक छोड़ देना है। 7 रह गया, 7 × 3 = 21, और फिर ढाई का अंक छोड़ दिया, फिर 3 × 1 × 3 = 3। हम देख रहे हैं कि 3 × 9 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81, 27 × 81, ठीक है। और इसमें 9 आया, फिर दोबारा 7 आया, फिर 1 आया इकाई का, फिर इसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार से फिर हमने 1 में 3 का गुणा किया, यानी जब हम पांचवी बार पर आए 1, 2, 3, 4, 5, यानी जब हम पांचवी बार में आते हैं तो किसी संख्या का, यानी हम एक ही संख्या का, एक ही अंक का पांच बार गुणा करते हैं तो वही अंक हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। इसलिए मान लीजिए ये आपका कोई भी संख्या है, 472 की घात है आपकी 531, इसमें हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब छोटा छोटा है तो उसमें हम कर लेंगे, तो इसलिए तो प्रत्येक अंक पांचवी बार यानी 4 बार के बाद पांचवी बार रिपीट करते हैं तो वही अंक स्वयं अपनी संख्या इकाई का अंक आ जाता है। तो इस जैसे देख लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 32 × 64, देखिए 2 × 4, 4 × 8, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, तो देखिए मैं 1, 2, 3, 4, 5, हम देख रहे हैं कि हमारा पुनः जैसे 2 × 4
और 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। जो हम देख रहे हैं कि पुनः 5 ही बार 2 आ गया, यहां गुणा किया 3 का 5 बार, तो इकाई का अंक पुनः 3 आ गया। इसलिए हम इस घात में हमेशा 4 का भाग देंगे, चाहे ये संख्या सम है चाहे विषम है, घात वाली संख्या सम है या विषम है, तो ये हम भाग देंगे, हमेशा 4 से भाग देंगे। 472 की घात है आपका 531 में इकाई अंक होगा, इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये हमको याद करना है, इकाई अंक ज्ञात करो। तो जैसे मैंने बताया किसी भी अंक का 5 बार गुणा करने पर वो फिर वही अंक आ जाता है, 4 बार तक नहीं आता और कोई भी अंक हो। इसलिए हमेशा हम ये हमारा बता देता हूं, ये हमारा जैसे 472 जो है ये आधार कहलाता है, यानी बेस कहलाता है, और ये आपका घात कहलाता है, ये आपका घात कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा इस घात में, इस वाली घात में हमेशा 4 से ही भाग देंगे। तो 531 की मैं दे दूं 4 से भाग, 4 × 4 बचा 1 और 4 × 12 बचा 1 और 4 × 8 देखिए बचा 3, बचा 3। तो हम देख रहे हैं कि इसको घात में चाहे इवन है चाहे ऑड है, सम है या विषम है, घात में हमेशा 4 से ही भाग देंगे और हमारा इस शेष फल का, जो हमारा शेष फल आया इसका विशेष महत्व शेष फल का। तो इस शेष फल को हम लोग क्या करेंगे, इस शेष फल का हमारा विशेष महत्व, इस शेष फल को इसके आधार का जो इकाई का अंक है उस पर रखेंगे। ये प्रत्येक संख्या के लिए यही नियम है। तो 2 × 4, 4 × 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो आप जानते हैं कि 3 घात का मतलब 3 बार गुणा, 2 × 4, 4 × 8, 8 है इकाई का अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खेल खेल में इकाई का अंक निकाल सकते हैं, है ना मेहतासन। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, अब हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण में यह है आपका कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 527 की घात है 253। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं इकाई अंक तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर बार घात वाले यानी पावर में आपको डिवाइड करना है कितने से, 4 से, 4 × 24 बचे कितना 1, 4 × 12 है बचा कितना 1। मैंने बताया था शेष में ही, शेष को ही आधार, जो आधार वाली संख्या का इकाई अंक है उस पर रखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक ई मतलब घात वाली संख्या 1 है तो वो संख्या स्वयं आती है 7। तो इसमें इस इकाई अंक हो गया 7। ठीक है बच्चों, तो हम इकाई अंक 7 हो गया, इसमें भाग देंगे 4 से, शेष फल जो बचेगा उसे इस आधार वाले इकाई अंक पर रखेंगे। अच्छा, अब ये आपके अच्छी तरह और पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। यदि आपके समझ पहले, सबसे अच्छा समझने के लिए क्या करना, पहले वीडियो को पूरा देखना है, फिर एग्जाम्पल करने हैं।
यदि आपकी समझ ना आए तब दोबारा वीडियो को फिर पूरा देखना है, तब एग्जाम्पल को आपको करने हैं। किताब नहीं, आपके पास बहुत सारी किताबें, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको फिर दोबारा वीडियो देखकर तब फिर आपको एग्जाम्पल लगाना है। आप 100% लगा देंगे वीडियो को एकांत में और पूरे मन से देखना, इधर उधर अपना मन नहीं दौड़ाना, ठीक है। अब हमारा शेष पद दो बचा, शेष पद एक बचा, अब हमारा हो गया 1343। अब इस पे हमारा है 5024 में इकाई अंक। तो जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो जैसा कि मैंने बताया था कि केवल घात में आपको 4 से ही भाग देना है। कितने से भाग देना है? केवल 4 से ही भाग देना है। तो 4 एकम 4 बचा 1, उतारी 0, 4 दुनिया 8 बचा 2, उतार लिया 2 का, 4 पंजे 20 बचा 2, उतार लिया 4 का, 4 छक्के 24, शेष फल आ गया 0। शेष क्या आ गया? 0। जब शेष 0 आ जाए तो 3 की घात हम 0 नहीं लगाएंगे, 3 की घात 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन हम लगाएंगे यहां पर घात 4। उन्हें देखें, दोबारा समझे कि जब किसी घात में 4 से भाग दिया, शेषफल 0 आ गया, तो यहां 0 की जगह 4 लगाएंगे, तो ये हो गया आपका 4। तो इसका मतलब 3 बार 4 बार गुणा करना है हमें। कितने बार करना है? 4 बार। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 में इकाई अंक का अंक कितना है? 1 है, तो आपका इकाई अंक 1 हो गया। अब देखिए आपका इकाई अंक कितना हो गया? 1। आगे हम बढ़ रहे हैं, तो अब कुछ अंक ऐसे हैं जिनमें आपको भाग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस उंगली पर आप देखते ही लगा देंगे। जैसे यदि यदि किसी संख्या में किसी घात संख्या में घात संख्या में इकाई अंक किसी घात संख्या में इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो किसी घात संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो इनका इकाई अंक वही आता है। जैसे 1265 की घात आप कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। अब इसमें इकाई अंक 5 है तो आपको आंख बंद करके इकाई का अंक 5 लगाना है। यदि जैसे 36 के अंक 72 हो, 73 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे यहां इकाई का अंक आपका 6, तो आप आंख बंद करके इकाई अंक 6 लगा देंगे, ठीक है। इकाई का अंक कितना लगा देंगे? 6 लगा देंगे। अब इसे और खूब बढ़ा लीजिए 13873, और इसमें आप 10547। अब जैसे 73 नहीं लेना है, कौन सा लेना है आपको? 0 1 5 6, तो आपका मान लीजिए यहां 0 है यहां पर, तो इकाई अंक 0 आएगा। अब हम बताते हैं ये कैसे आता है। तो देखिए, अब जैसे
एक का गुणा करिए कितनी भी बार, एक एकम एक ये लीजिए, कितनी भी बार एक का गुणा करेंगे एक ही आता है, तुमको पता। अब पांच का करिए, पांच पचम पच्चीस, पंजे एक सौ पच्चीस, पंजे छह सौ पच्चीस। अब देखो पचम पच्चीस एकाएकांक पांच, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस एकाएकांक पांच, एक सौ पच्चीस पंजे छह सौ पच्चीस एकाएकांक पांच। हर बार पांच पांच आ रहा है ऐसे ही। अब छह वाला ले लीजिए, छह गुणा में छह गुणा में छह गुणा में छह, छह छत्तीस एकाएकांक छह, छत्तीस छिक्के दो सौ सोलह एकाएकांक छह, एकाएकांक छह, एकाएकांक छह। और इसका इसमें कर दीजिए तो ये आपका जैसे दो सौ सोलह छह छह छत्तीस हो गया, हंसले की तीन, छह एकम छह और तीन नौ, छह दुनी बारह, फिर एकाएकांक छह। ऐसे जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे बार बार, तो वैसे तो जीरो गुणा जीरो जो है अपरभाषित होता है, अपरभाषित। लेकिन यहां पर जीरो गुणा जीरो कितनी बार करेंगे, जीरो वाली संख्या का गुणा, तो जीरो ही एकाएकांक आएगा। इस प्रकार से हमारे आज ये एकाएकांक किसी घात संख्या में एकाएकांक याद करना बता दिया। कल बहुत सारी संख्याएं गुणा में है तो वो बताएंगे, और पार्ट फाइव में मैंने शुरुआत में बता दिया, और कल मैं पार्ट फाइव लेकर आऊंगा आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी का, उसमें क्रमविद में नेम बनाऊंगा, क्रमविद में एसोसिएटिव लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी और इस प्रकार से अब मान लीजिए जैसे 245 की घात आपका 24 है या 324 है, कुछ भी माइनर प्लस, प्लस में आपका 347 की घात है आपका ये, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि यदि इकाई का अंक पांच हो तो आप बिना सोचे समझे इकाई का अंक पांच लगा दें। अब यहां प्लस दिया है, अब यहां मैंने बताया था कि यदि घात में चार से ही भाग देंगे, चार एकम चार बचा दो, चार छिके चौबीस बचा जीरो, ठीक है। तो अब हमारा चार छिके चौबीस बचा जीरो, ठीक। तो सात की घात मैंने बताया था यदि कोई संख्या में इकाई शेष पर जीरो आता है तो उस पर घात जीरो ना रख के चार रखेंगे। तो देखिए सात गुणा में सात गुणा में सात गुणा में सात, सत्य उनचास, इकाई ढाई की वाले को छोड़ दीजिए, सात नंबर तिरसठ, ठीक है, ढाई वाले को छोड़ दीजिए, और सातिया इक्कीस, सातिया इक्कीस, इक्कीस में आप इसको छोड़ दीजिए। तो पांच यहां से आया और यहां इकाई का अंक एक आया, जुड़ के हो गया छह। तो यानी यदि ये प्लस है तो इसका इकाई अंक निकालो, इसका इकाई निकालो, अंक निकालो, जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए माइनस है और इस पे हम घात कर लेते हैं बासठ, कितनी कर लेते हैं बासठ। देखिए अब 347 घात बासठ है और इसमें हम भाग दे रहे हैं चार से, चार एकम चार बचे दो, उतालिए दो के चार पंजे बीस बचे दो, शेष कितना है दो। अब मैंने बताया था इस पर इकाई अंक पर ये वाला शेष रखना होता है, सत्य उनचास, उनचास सात गुणा में सात बराबर उनचास, उनचास में इकाई का अंक नौ। अब आपको यहां मैंने मल्टीप्ली माइनस कर दिया तो घटाना है। अब पांच में से नौ कैसे घटा, कोई संख्या है भाई 245 का गुणा हमने 324 बार किया,
इकाई ढाई सैकड़ा ठीक है मिलियन मिलियन तक जाए, तो यहां हम इसको 15 मान लेंगे। 15 यानी जब यह संख्या छोटी हो तो इसे हम 15 मान लेंगे, क्योंकि एक हासिल लेते हैं ना इस प्रकार 15 में से 9 गए तो 6, तो इकाई का अंक आपका यहाँ 6 आएगा। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास पूरा हुआ। कल गुणा बहुत सारी संख्या गुणा में है, उनका इकाई का अंक बताएंगे ठीक है। क्रम विनिमय नियम बताएंगे, आपका संभ्रक नियम बताएंगे, और आपका एसोसिएटिव यानी साचर नियम बताएंगे, गुणा पर वितरण नियम बनाएंगे ठीक है बच्चों। ठीक है, खुश रहो, हैप्पी डे।